हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वैसलीन के टॉप यूजेस। यस गाइस, वैसलीन जो होता है वो 5 रुपए की ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक ग्रॉसरी स्टोर में या फिर आपके अगल बगल के मार्केट में, छोटे से छोटे दुकान में आपको 5 रुपए में सिर्फ मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 5 रुपए की चीज़ ऐसी होती है जिसे आप डिफरेंट स्टाइल में बहुत सारे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। लेकिन नॉर्मली डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, इसे या तो ये सिर्फ फ़ोटो पर लगाते हैं, फटे फ़ोटो के लिए लगाते हैं, या फिर अगर आपकी एड़ियाँ फट गई है तो आप उसे इसे बस उस पर यूज़ करते हैं। लेकिन इसके डिफरेंट यूजेस भी है जो आप नहीं डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वैसलीन को आप डिफरेंट स्टाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वैसलीन के टॉप यूजेस क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो। और इस वीडियो को कर देना लाइक और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर। तो चलिए देखते हैं कि वैसलीन के टॉप यूजेस क्या है, 5 रुपए की ये चीज आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि वैसलीन के टॉप यूजेस। वैसलीन जो होता है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है। यस गाइस, बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि वैसलीन जो है फेस पे लगाने से फेस डल पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। मैं अपने फेस पे रोज़ रात को वैसलीन लगा के ही सोती हूँ, क्योंकि वैसलीन जो है वो बहुत ज़्यादा डीप मॉइस्चराइज करता है आपके फेस को। अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर ऐसे भी आपकी स्किन, कोई भी स्किन हो, नॉर्मल स्किन भी है अगर आपकी, तो भी आप डेफिनेटली वैसलीन का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है। और आपको मार्केट में जो भी महंगी मॉइस्चराइज़र मिलती है उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको घर बैठे 5 रुपए में अच्छा सा मॉइस्चराइज़र मिल जाएगा। डेफिनेटली आप इसे हर रोज़ यूज़ करें, हर रात को यूज़ करें, आप देखेंगे कि आपके स्किन में मॉइस्चराइज़र की बिल्कुल भी अलग से लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मॉइस्चराइज़र। तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। फटे होठों पे तो इसे हर कोई लगाता है। आप जानते होंगे कि अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा फट रहे हैं या फिर कुछ दिन ब्रेक करने के बाद ही बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं आपके लिप्स विंटर्स में स्पेशली, तो आप डेफिनेटली रोज़ अपने पास वैसलीन रखें। ये छोटी डिब्बे में भी मिलती है, छोटे से डिब्बे में भी मिलती है, तो आप डेफिनेटली इसे हमेशा अपने पास रखें। और जब भी आपको आपके लिप्स जो है वो रूखे लगे या फिर ड्राई आउट लगे तो आप डेफिनेटली इसे यूज़ करें, और आप देखेंगे कि बस 2 मिनट में ही आप की जो लिप्स है वो बिल्कुल हाइड्रेटेड लगेगी, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज लगेगी, और उनके फटने की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। आईलैशेस जो होते हैं हमारे, यानी कि हमारी पलकें जो होती हैं, बहुत लोगों को शौक होता है कि उनकी आईलैशेस जो है वो बड़ी रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आईलैशेस बड़ी होती हैं और उन्हें देख के हमें ये शौक होता है कि हमारी भी आईलैशेस बड़ी रहे ताकि हमें फेक आईलैशेस की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपके मन में भी ये ख्वाहिश है तो ये ख्वाहिश आपकी वैसलीन पूरी कर सकती है। यस गाइज, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ वैसलीन यूज़ करें। वैसलीन थोड़ा सा ले और अपने आईलैशेस पे रात में सोने के टाइम ऐसे अच्छे से हल्के से मसाज करते हुए लगा के रात भर छोड़ दें। नॉर्मली आप सुबह में जब अपना फेस धोते हैं, फेस वॉश करते हैं, उस टाइम अपना फेस वॉश करें, आप देखेंगे कि हफ्ते भर में ही आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा और आपकी आईलैशेस जो है वो नेचुरली ग्रो होना शुरू हो जाएगी, थिक होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा परफ्यूम तो लगा लेते हैं लेकिन दिन भर उनके परफ्यूम की जो खुशबू है वो साथ में टिकी नहीं रहती है। यस गाइस, हम लोग परफ्यूम पे बहुत पैसे खर्च करते हैं लेकिन उनकी जो खुशबू है वो हम चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक रहे, यानी कि जब तक हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी पार्टी में हैं तब तक हमारे जो परफ्यूम की खुशबू है वो डेफिनेटली टिकी रहे हमारे बॉडी पे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अगर आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है या फिर आप विंटर्स में भी आप स्वेटर पहन के जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपकी परफ्यूम की खुशबू जो है थोड़े समय बाद ही उड़ जाती है, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता कि आपने कुछ अच्छा सा परफ्यूम भी लगाया है, इसमें इतने पैसे भी वेस्ट किए। तो आप वैसलीन का यूज़ करके बहुत देर तक अपने परफ्यूम की खुशबू अपने बॉडी पे टिका सकते हैं। वो कैसे, आपको बस करना ये है कि आप जब भी परफ्यूम लगाए तो आप अपने गले पे और अपने हाथों पे, जब जहाँ पे भी आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं अपना, वहाँ पे आप अच्छे से वैसलीन को पहले रब कर ले, थोड़ा सा वैसलीन लेके ऐसे रब कर ले, उसके बाद आप अपना परफ्यूम स्प्रे करें। आप देखेंगे कि आपके जो परफ्यूम की खुशबू है वो बहुत लंबे टाइम तक आपके बॉडी पे टिकी हुई है।
वैसलीन जो है बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। यस गाइस, जो मेकअप रिमूवर हम मेकअप हटाने के लिए ख़रीदते हैं, मार्केट से ख़रीदते हैं, वो डेफिनेटली आपको 200 प्लस ही मिलता है, यानी कि 200 अवर भी वो रहता है। तो इतने पैसे क्यों वेस्ट करने, जब हमारे 5 रुपये की चीज़ से ही अच्छा सा मेकअप रिमूवर हो सकता है रेडी। आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं और साथ ही अपने स्किन को मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं। तो आपको बस करना ये है कि जब भी आपको अपना मेकअप रिमूव करना हो, आप एक कॉटन पैड में अपने वैसलीन को ले, थोड़ा सा रब करें और उसके बाद अपने फेस पे अच्छे से हल्के हाथों से उसे अपने मेकअप को क्लीन करें। आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर का काम करेगा और आपका मेकअप जो है वो इजीली वाइप ऑफ हो जाएगा, यानी कि इजीली निकल जाएगा। तो वैसलीन जो है वो बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी हम हेयर डाई करते हैं या फिर हमारे बड़े जो है वो अगर हेयर डाई कर रहे हैं, तो जो हेयर डाई का कलर होता है वो हमारी हेयर लाइन पे लग जाता है, यानी कि आपकी स्किन पे लग जाता है, और वो जो कलर होता है वो बिल्कुल भी नहीं जाता, एक वॉश में तो बिल्कुल भी नहीं जाता, और वो बिल्कुल भी देखने से पता चल जाता है कि आपने हेयर डाई कर रखा है। ये बिल्कुल भी बहुत ऑड दिखता है, बहुत ख़राब दिखता है। तो वैसलीन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो हेयर डाई का कलर है वो आपकी हेयर लाइन पर ना लगे, यानी कि आपकी स्किन पर ना लगे। तो जब भी आप हेयर डाई करने जाएं, एक छोटी सी चीज़ है, आप इसे लेके अच्छे से अपने हेयर लाइन पे पहले मसाज करते हुए लगा लें, वैसलीन को थोड़ा सा लगा लें, और उसके बाद आप अपना हेयर डाई करें। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपका हेयर डाई जो है आपकी हेयर लाइन पे लगता है, आपकी स्किन पे अगर लगता भी है कलर, आप उसे हाथों से भी अगर मिटाएंगे तो वो ईजिली मिट जाएगा। आप अच्छे से कपड़े से पोंछ लें, आप देखेंगे कि जो हेयर डाई का कलर है वो बिल्कुल भी चला गया। कई बार हमें इयररिंग्स पहनने टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमारे इयररिंग्स जो है वो इजीली हमारे कानों में नहीं जाते। तो आप वैसलीन का यूज़ कर से इजीली अपने इयररिंग्स को अपने कानों में कैसे डाल सकते हैं, आपको बस करना ये है कि जब भी आप इयररिंग्स पहनने जाए, अपने इयररिंग्स में थोड़ा सा वैसलीन लगा लें, उसके बाद उसे अपने कानों में डालें। ईजिली आपका इयररिंग्स जो है वो आपके कानों में चला जाएगा, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें, ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मैथड है। मेरे घर में जब भी किसी को इयररिंग्स पहनने में प्रॉब्लम होती है तो मैं वैसलीन लगा के उन्हें देती हूँ और वो इजीली अपने कानों में इयररिंग्स डाल पाते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आप जब भी आई शेडो और ब्लशर लगाते हैं तो उसके पाउडर मेथड से आप बिल्कुल परेशान हो गए, यानी कि अगर आपका आई शेडो जो है वो पाउडर मेथड में है, पाउडर है और ब्लशर भी पाउडर होता है, तो अगर आप इस सब चीज़ से परेशान हो चुके हैं और उसे एक क्रीमी लुक देना चाहते हैं तो आप वैसलीन का यूज़ कर सकते हैं। आपको बस करना ये है कि आपका जो भी आई शेडो और ब्लशर है उसमें आप थोड़ा सा वैसलीन मिला लें, और उसके बाद आप वो देखेंगे कि आपका एक अच्छा सा क्रीमी आई शेडो और अच्छा सा क्रीमी ब्लशर रेडी हो गया है बनके। उसे आप अच्छे से लगा लें, आप देखेंगे कि ये लंबे टाइम तक आपकी आंखों पे और आपका ब्लशर जो है आपके चिक्स पे टिका रहेगा। तो ये थे वैसलीन के टॉप यूजेस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को कर देना लाइक, साथ ही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।